हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको फाइंड क्यों किया गया। तो स्टूडेंट्स, इसको फाइंड इसलिए किया गया ताकि हमारे पास कोई भी लीनियर सिस्टम इक्वेशन होती है उसको सिंपल मैथड से हम सोल्व कर सकें। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो 2x + 3y = 4 एंड 3x + 2y = 5, इस टाइप से कोई सिंपल इक्वेशन है। ये सिंपल इक्वेशन है, तो सिंपल इस टाइप की सिंपल इक्वेशन को मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करके उसको बाद में हम अच्छी तरह सॉल्व कर सकें, तो इसलिए मैट्रिक्स को फाइंड किया गया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन सीधी सी है कि ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। किन्हीं भी नंबर और फंक्शंस का एरे का मतलब होता है कलेक्शन। किन्हीं भी नंबर्स और फंक्शंस का कलेक्शन रो एंड कॉलम इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। किसी भी नंबर्स और फंक्शंस का रो और कॉलम का जो रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम इसका प्लूरल मैट्रिसेस होता है, आप अपने बुक में पढ़ेंगे मैट्रिसेस। तो ये इसका प्लूरल, इसको कहते हैं सिंगुलर। ठीक है, इन सब के बाद ये पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स एलजेब्रा। मैट्रिक्स एलजेब्रा क्या होता है। मैट्रिक्स एलजेब्रा में हम, जैसे आपने पढ़ा होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो तीनों ऑपरेशन है ये मैट्रिक्स एलजेब्रा के में काम आते हैं। ठीक है, अब इन सब के बाद हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कोई भी आप कैपिटल लेटर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिया है, और इसको मैं अगर कोई मैट्रिक्स मान लेता हूँ, मान लो 1 2 3 4 5 6, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है, तो इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हमारी हमारे पास होती है रोज, और इनको हम बोलेंगे कॉलम्स। ठीक है, तो ये हमारी रोज और ये हो गए कॉलम। तो इसमें दो तो रो हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में जो ये हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो सभी नंबर हैं हमारे पास, इनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इस सब के बाद हम ये पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज को हम एम से डिनोट करते हैं यहाँ पे, एंड कॉलम्स को हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो मैंने कोई मैट्रिक्स मान ली, कैपिटल ए इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट मान ली ए ए ए, ठीक है।
तो ये इसके एलिमेंट हो गए। अब इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, मैंने अभी अभी क्या बताया था कि सबसे पहले नंबर ऑफ रोज मीन्स एम इंटू एन, एन नंबर ऑफ कॉलम, और यहाँ पे एम क्या है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो अब ये सिस्टम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट है ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो हम इसके इसको डिनोट ए वन वन से करेंगे, ठीक है। ए वन मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकंड वाला वन जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो हमारे कॉलम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरे वाले ए को कैसे डिनोट करेंगे, ए वन टू, ए वन टू का मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, एंड ये वाला हो जाएगा हमारा ए वन थ्री, ए वन थ्री का मतलब ए सॉरी ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। इसी टाइप से हम ये दूसरी जो रो है हमारी इसमें करेंगे, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम कैसे लिखेंगे, ए टू वन, ए टू वन का मतलब ये हुआ कि ये दूसरी रो में है और फर्स्ट कॉलम है, और इसको हम लिखेंगे ए टू टू, ये ए टू थ्री हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ए थ्री वन, ए थ्री टू, और ये लास्ट वाला हमारा हो जाएगा ए थ्री थ्री। ए थ्री थ्री का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि तीसरे रो में और तीसरे कॉलम में, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होगी थ्री बाई थ्री, थ्री बाय थ्री मीन्स इसमें थ्री तो रोज हैं और थ्री कॉलम्स हैं, ठीक है। इन सब के बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो किसी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो हम देखेंगे। अभी मैंने मान लिया कोई मैट्रिक्स हमारे पास कैपिटल ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट में मान के चलूँगा ए वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए वन टू, ए वन थ्री, और डॉट डॉट इसको मैं आगे तक बढ़ा दूँ तो ए वन एंथ मीन्स एंथ कॉलम हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं सेकंड रो लेके चलूँगा ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, और डॉट डॉट लगाते हुए आगे तक बढ़ जाएगा हमारा ए टू एंथ। ऐसे ही ये हमारा नीचे करते इसको लाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि मान लिया इसमें कितने रो हैं, रो कितनी हो जाएंगी हमारे पास इसमें ए एम वन, इसी टाइप से ये आ जाएगा ए एम टू, इसी टाइप से ये ए एम थ्री, और इसको भी फिर आगे बढ़ा देंगे और ये भी इस टाइप से नीचे आ जाएगा ए एम एन। तो इस टाइप की जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो कौन से ऑर्डर की होगी, m इंटू n ऑर्डर की। अब इस ये जो मैट्रिक्स बनी है हमारे पास, इस मैट्रिक्स को मैं इस टाइप से भी जनरल रिप्रेजेंटेशन है तो इस टाइप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, बड़ा ब्रैकेट a i j और ये m इंटू n की मैट्रिक्स हो गए, लेकिन यहाँ पे आई जे के लिए कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। कंडीशन अप्लाई क्या होगी, जो आई है, अब आई यहाँ पे हमारे पास रो का काम कर रहा है, रो है हमारे पास, तो ये वन से वन के वन से बड़ा या फिर इसके इक्वल होगा या फिर एम से छोटा या फिर इसके इक्वल। ऐसे ही हम जे के लिए करेंगे तो जे वन से बड़ा या इक्वल हो जाएगा जे, और जे से बड़ा या इक्वल हो जाएगा एम। एम यहाँ पे हमारे पास रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स को, ठीक है। तो इस टाइप से अब आगे मत समझना कि ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों बिल्कुल सेम है एज इट इज, इसको हमने इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, शॉर्ट करके। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स आती है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जिसमें सिर्फ वन कॉलम हो वो क्या होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन होती है, नॉर्मल सी डेफिनेशन है इसकी। इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ, ए कैपिटल ए इज इक्वल टू ओनली वन कॉलम, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो वन टू थ्री। तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा, अब ऑर्डर इसमें रो कितनी है थ्री और कॉलम वन, तो ये थ्री इंटू वन की एक मैट्रिक्स बन गई जिसको हम क्या कहते हैं,
कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे, जिसमें सिर्फ क्या हो, रो हो, ओनली रो हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल ए इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दिया 1 2 3, बड़े ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3। तो यहाँ पे 1 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इन सब के बाद थर्ड मैट्रिक्स, इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब आप सबको पता होता है क्या होता है। तो स्क्वायर का मतलब मान लो मैं कोई मैट्रिक्स लेके चलता हूँ, इसको मान लिया मैंने ए, यहाँ पर मैंने कई एलिमेंट लिखे 1 2 3 4। अब इसमें नंबर ऑफ रोज भी इक्वल है, नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन से ऑर्डर की ये मैट्रिक्स बन रही है, 2 by 2 की। 2 by 2 अगर सेम इसकी डेफिनेशन इस टाइप से हम करेंगे कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर ऐसी कंडीशन कुछ अप्लाई हो रही है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने एक आपके सामने मैट्रिक्स लिखी है, ए इज इक्वल टू 2 by 2 की एक मैट्रिक्स लिखी है। तो ये हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज इसी टाइप से हम कोई दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं बी, कैपिटल बी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 3 4 5 6 8 7 9 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 by 3 की एक मैट्रिक्स होगी, जो कि क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने मान ली कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे सिर्फ वो ही होंगे, अदर जो एलिमेंट हमारे वो बाकी जीरो होंगे। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे 1 0 0 0 3 0 and 0 0 4, तो ये हमारे पास 3 by 3 की एक मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं सिर्फ हमारे पास, अदर एलिमेंट्स जीरो हैं। और एक इसमें खास बात ये है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, डायगोनल एलिमेंट्स आर डिफरेंट होंगे। तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी, इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, फिर ये इसका पार्ट चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा, तो इस पार्ट को मैं क्या कहूँगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है इसका, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल होते हैं। आप चाहे कोई भी मैट्रिक्स ले लो, जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो ये हमारे पास क्या है, 2 ले लो इसको 2 0 0 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स का कैसे पता चला हमें, इसके डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, इक्वल है, सेम है। तो सेम है तो हमें पता चलेगा कि स्केलर मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सबसे पहले हम डिनोट कैसे करते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन को बताने के लिए आपको एक मैट्रिक्स बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट
वन होते हैं और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होते हैं, ठीक है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में लिखी जाती है। तो ये टू बाई टू की हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, इसके डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, हमेशा वन होते हैं। ऐसे ही मैं थ्री बाई थ्री की लेके लिखता हूँ, वन जीरो 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 वन जीरो एंड जीरो जीरो वन, ये हमारे पास थ्री बाई थ्री की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स जिस मैट्रिक्स में वन होता है वो मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, तो जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। तो आप इसको किसी से भी, जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये वन इंटू वन की एक मैट्रिक्स है, ठीक है, या फिर इसको इसके एलिमेंट जीरो मान लिए, ये जीरो मैट्रिक्स होगी। अगर थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स लिखो, जीरो जीरो, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, वो क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का मतलब है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। सबसे पहले तो उन दोनों मैट्रिक्स का द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल। इसका मतलब ये है कि अगर दो मैट्रिसेस को हमें इक्वल करना है, दो मैट्रिक्स को अगर इक्वल करना है, तो सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हमारा ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द corresponding element of matrix में। तो दूसरी हमारी जो condition वो ये है कि each element of a matrix A is equal to the corresponding element of matrix B। मान लिया हमारे पास कोई matrix है 2 1 0 3, ये हमारे पास 2x2 की कोई matrix है। तो अगर मुझे इस matrix को किसी दूसरी के equal करना है, तो वो तभी कर पाऊँगा जब दूसरी matrix हमारे पास सेम होगी 2 1 0 3। अब इनका ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। तो ऑर्डर हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या है, 2x2, और सेकंड वाले मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या है, 2x2। तो पहली वाली कंडीशन हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो सेकंड कंडीशन में क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए हो गई, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी। तो ए का हर एक एलिमेंट, मीन्स मान लिया मैंने ये दो है, A11 की जगह हमारे पास दो है, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, A11 की जगह दो ही होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं और बाकी सारे अदर एलिमेंट भी एक दूसरे के इक्वल हैं, अगर ऐसा है तो हमारी क्या हो जाएंगी, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। तो आज आप सभी बच्चों ने जो बड़ा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और इससे अगला जो हमारा है वो हमारी 3.1 एक्सरसाइज है, जो मैं आपको, वैसे तो नॉर्मल है, आप सभी कर लोगे। एंड इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स एलजेब्रा है, मैट्रिक्स एलजेब्रा मींस इसमें ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस हमारे जैसे प्लस हो गया, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, तो ये तीनों ऑपरेशंस हैं, इनको हम कल सीखेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।